नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। कोकोनट मैक्रून सबकी फेवरेट रेसिपीज होती है और इसे हम घर पे बनाने के लिए टालते हैं, पर आज मैं आपके साथ में बिल्कुल बेकरी स्टाइल कोकोनट मैक्रून्स की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों, इसे बनाने के लिए केवल दो ही सामग्री का उपयोग होता है और ये बिल्कुल बाहर मिलते हुए कोकोनट मैक्रून्स की तरह ही तैयार होते हैं। तो चलिए बेकरी स्टाइल कोकोनट मैक्रून्स बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट मैक्रून्स बनाने के लिए मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क लिया है। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून का आधा लिया है, जो 1/4 टीस्पून है वो लिया है। अब मैं दोनों सामग्री को अच्छे से बीट कर लेती हूँ। दोनों सामग्री अच्छे से बीट हो चुकी है, इसके अंदर मैं 1 कप कोकोनट का चूरा डाल देती हूँ। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप नारियल का चूरा लिया है, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा कहते हैं, वो डाल देती हूँ। अब मैं दोनों सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। जितना मैंने नारियल का चूरा लिया है उतना ही मैं कोकोनट फ्लेक्स ले लेती हूँ। दोस्तों, ये भी आपको किराना स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। मैं जब भी मैक्रून्स बनाती हूँ तभी हमेशा इसके अंदर नारियल का चूरा और कोकोनट के फ्लेक्स दोनों डालती हूँ, जिससे इसका स्वाद और लुक बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आपके पास कोकोनट फ्लेक्स ना हो तो फिर आप डायरेक्टली ही पूरा का पूरा नारियल का चूरा डाल के भी इसे बना सकते हैं। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस इसमें ऑप्शनल है पर मैं हमेशा मैक्रून्स में डालती हूँ, जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। दोस्तों, मुझे वेनिला और कोकोनट का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें ऐड कीजिए, या तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून काजू के टुकड़े, ये भी बिल्कुल ही ऑप्शनल है दोस्तों, पर मैं हमेशा इसमें ऐड करती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं ये डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और मैक्रून्स का डो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका होगा। इसमें से मैक्रून्स बना लेते हैं। मैं बाइट साइज के मैक्रून्स बनाने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो बड़ी साइज के मैक्रून्स भी बना सकते हैं। पहले मैं इसमें से मैक्रून्स के लिए डो निकाल लेती हूँ। मैंने सारे मैक्रून्स तैयार कर लिए हैं, अब हम बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। है और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है, इसे मैं धीमी आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख देती हूँ। दोस्तों, हम ये केक को बिना अवन के बनाने वाले हैं, पर अगर आपको इसे अवन में बनाना है तो 180 डिग्री के ऊपर आप अवन को प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए। जब तक हमारा बेकिंग के लिए पैन गर्म हो रहा है तब तक मैं मैक्रून्स के लिए जो ट्रे तैयार करनी है वो कर लेते हैं। मैंने एक ट्रे ले ली है और उसके ऊपर मैंने 2 बटर पेपर रख दिए हैं। दोस्तों, इस प्रकार करने से जो मैक्रून्स हमें गैस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर के मिलेंगे, ये प्रोसेस करने से हमें मैक्रून्स काफ़ी लाइट कलर के, जैसे अवन में बनते हैं बिल्कुल वैसे इफ़ेक्ट वाले मिलेंगे। बटर पेपर के ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ, उसके ऊपर हमने जो मैक्रून्स तैयार किए हैं वो रख देती हूँ। दोस्तों, मैक्रून्स का कोई भी शेप नहीं होता है, वो अनइवन होते हैं, तो मैं इसे अनइवन प्लेस कर देती हूँ। बेक होने के बाद ये थोड़े से फूलेंगे तो हम बीच में अच्छे से जगह रखेंगे और फिर इसे ट्रे में अरेंज करेंगे। मैंने ट्रे के अंदर मैक्रून्स अरेंज कर लिए हैं और हमारा पैन भी गर्म हो चुका होगा, इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। दोस्तों, अगर आप इसे अवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री के ऊपर आप अवन को 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिएगा, और जब प्रीहीट हो जाए अवन तब मैक्रून्स को 30 मिनट के लिए 180 डिग्री के ऊपर बेक कीजिएगा। अब मैं इसे पैन में रख देती हूँ और इसे धीमी आंच के ऊपर 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। दोस्तों, जब भी आप कुकीज़ बनाएं तभी इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, उसे धीमी आँच के ऊपर बेक कीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 30 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। वाओ दोस्तों, देखिए बहुत ही बढ़िया रंग हमें मिला है, जैसे हम अवन में बेक करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैक्रून्स तैयार हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसानी से ये बटर पेपर में से निकल आते हैं। ये गर्म है तो थोड़े सॉफ्ट होंगे, पर ठंडे होने के बाद ये एकदम ड्राई और बढ़िया हो जाते हैं। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
मैक्रोन्स ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सो मुझे इसका ये जो ब्राइट रंग है वो बहुत ही पसंद आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया मैक्रोन्स हमारे तैयार हुए हैं। ये मैक्रोन्स बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, जैसे बाहर बेकरीज में मिलते हैं बिल्कुल वैसे मैक्रोन्स तैयार होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से फूले भी हैं। दोस्तों इसे आप चाहें तो डायरेक्टली ही एयर टाइट कंटेनर के अंदर ठंडे होने के बाद स्टोर कर सकते हैं, ये 15 दिन बहुत ही अच्छे रहते हैं। पर सच कहती हूँ दोस्तों, अगर आपने इसे बनाया तो ये तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप चाहें तो इसे एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, पर मैं जैसे सर्व करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैक्रोन्स को मैं एक प्लेट के अंदर ले लेती हूँ। मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है, मैं इसके ऊपर इसे ड्रिजल कर लेती हूँ। दोस्तों जब मैक्रोन्स एकदम ठंडे हो जाएं तब आप इस प्रकार से इस पे चॉकलेट ड्रिजल कीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ी सी डार्क चॉकलेट लगा लेंगे। ये प्रोसेस करना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर मैं हमेशा इस प्रकार से ही मेरे घर पे सर्व करती हूँ। मैंने मैक्रोन्स के ऊपर चॉकलेट ड्रिजल कर ली है, इसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। सेट होने के लिए हम काउंटर टेबल पे ही साइड में ही रख देंगे, करीबन 5 मिनट के अंदर ये सेट हो जाते हैं। मैक्रोन्स बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहे हैं। अगर आपने इसे एक बार खाना शुरू किया तो आप इसको खाते ही रहेंगे दोस्तों, ये इतने टेस्टी बनते हैं। हमारे कोकोनट मैक्रोन्स बनके तैयार हैं, जैसे बेकरी में मिलते हैं बिल्कुल वही स्टाइल के मैंने घर पे बनाए हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।